अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही आसान स्किल जिसे सीख के आप फाइवर से एक अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। तो बगैर टाइम जाके इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा इसी बेल आइकन पर और क्लिक कर दीजिएगा आल पर, ताकि ऐसी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए व्यूअर्स, बगैर टाइम जाके इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, आज की जो मैं स्किल आपको शेयर करने जा रहा हूँ इससे आप अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी स्किल है, ठीक है। आपने इसको सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है फाइवर पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइवर ओपन कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने फाइवर ओपन किया, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ जी बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है, बिजनेस नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज आ गई हैं, बिजनेस नेम जनरेटर, बिजनेस आइडिया, स्लोगन, लोगो एंड यहाँ पे ब्रांड नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकंड वाले को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे गिग्स शो हो रही हैं, ठीक है। तो इनमें से हम फर्स्ट जो है उसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ये क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कह रही है जी आपको एक बिजनेस नेम देंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी नेम होगा, ठीक है, ब्रांड नेम अगर आपको चाहिए वो देगी, डोमेन सर्च भी करके देगी उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करके ये कितने ले रही हैं, 5,000 रुपये, और इनका प्रीमियम जो है वो 17,000 रुपये तक है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने बिजनेस नेम कैसे जनरेट करना है, कहाँ से ढूंढना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने न्यू टैब में लिखना है बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट आ गई हैं, ठीक है, जिनमें फर्स्ट पे है स्पॉटिफाई, ठीक है, सेकेंड ये है, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों आ गई, ठीक है। यहाँ पे एक और सर्च कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं और इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी किस चीज़ के रिलेटेड आपको चाहिए वो आपने लिख देना है। तो यहाँ पे मैं स्कूल लिख देता हूँ, मुझे स्कूल के रिलेटेड चाहिए, तो यहाँ पे जनरेट नेम्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेकेंड वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी आप वर्ड बताएंगे जिसके रिलेटेड आपको चाहिए और ये आपको डोमेन बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कूल के रिलेटेड मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे नेम्स आ गए हैं, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे इनकी वो भी बताई हुई है, ठीक है, डोमेन नेम भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये इन्होंने डोमेन्स भी बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या क्या करना है, कोई भी अपना कीवर्ड लिखना है, ठीक है, जो आप उनको चाहिए, ठीक है, वो आप उनको कीवर्ड बताएंगे और आपने उसकी डोमेन अवेलेबिलिटी बतानी है, ठीक है। आपको उस वो बताएंगे किस रिलेटेड चाहिए उनको, ठीक है, तो उस रिलेटेड आप ले सकते हैं, ठीक है, और सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ये देखें वो सारा आ गया है, ठीक है, यहाँ पे नेम्स आ गए हैं जिन और डोमेन्स भी हैं जो आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप गो डैडी पे जाके इनको देख सकते हैं। तीसरी वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ जी स्कूल, ठीक है, जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स के नाम आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कीवर्ड लिख देते हैं अपना, फिर स्कूल लिख दिया मैंने, ठीक है। नेम टाइप कैसा होना चाहिए हमारा, तो यहाँ पे मैं जी डायनेमिक नेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप लिख देते हैं जी आपका स्कूल किस रिलेटेड है, एजुकेशन के रिलेटेड है, ठीक है। तो जनरेट नेम्स पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस तो इनकी बहुत हाई है, लेकिन आप इनको छोड़ के आई थिंक इन वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, ठीक है, इन पे जो नाम शो हो रहे हैं उन पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अगर यहाँ पे आप अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी डोमेन रिलेटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है, गो डैडी में आना है और इसके रिलेटेड डोमेन आपने सर्च कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखना है और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आपने सर्च कर लेनी है और यहाँ पे यही सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है। इससे आप अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 99 ऑर्डर इनके पेंडिंग में, इसके अलावा यहाँ पे 17 ऑर्डर हैं, 11 ऑर्डर हैं, 13 ऑर्डर हैं यहाँ पे इनके, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बाकी आप ऑर्डर देख सकते हैं, हर किसी पे मेरे ख्याल ऑर्डर है ही के, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे जाते हैं, अल्लाह।